जवाबी कार्रवाई करते हुए 22 राउंड फायर किए, जिसमें दो टेररिस्ट मारे गए। आ रहा हूं मैं, तुझे जरा सभी अंदर से मैं कहा हूं और क्या कर सकता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंह का माय का बाहर ले में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंघम अगेन मूवी के बारे में और दोस्तों जानेंगे इस मूवी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और दोस्तों ऐसे फिल्मों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड होता है आप लोग नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंघम अगेन मूवी का काफ़ी समय पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट भी तय की गई है कि यह मूवी आप लोग को 2024 में दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगा। इस मूवी में आप लोग को इस बार नए का बड़े बड़े एक्टर भी देखने को मिलेंगे। चलिए इस मूवी के कास्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी में आप लोग को लीड रोल में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगे और उनके साथ विक्की कौशल भी देखने को मिलेंगे। और वही बात करें दोस्तों तो इस मूवी में आप लोग को अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का कैमियो भी देखने को मिलेगा। इस मूवी में आप लोग को इस बार शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय भी देखने को मिलेंगे और इस मूवी में विलेन का किरदार जैकी श्रॉफ निभाएंगे। ये एक मेगा बजट की फिल्म है जिसको रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। और दोस्तों इस मूवी की बजट की बात करें दोस्तों, इस मूवी को 70 से 80 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। इस मूवी में आप लोग को काफ़ी अच्छा एक्शन सीन देखने को मिलेगा। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। तो दोस्तों आप लोग अजय देवगन की इस फिल्म का कितना वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।